आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी जरूर दबाएं। हाय, वेलकम टू एनी ब्यूटी। आज हम आपको दिखाएंगे पपाया विद एलोवेरा फेशियल। ये हमारी प्रोफेशनल किट है। वैसे इसकी छोटी किट भी मिलती है, डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। चलिए दिखाते हैं स्टेप वाइज किस तरीके से करते हैं। ये दोनों मिक्स हैं, पपाया विद एलोवेरा, ये इसकी बड़ी किट है। चलिए दिखाते हैं इसके अंदर कितने स्टेप हैं। ये 5-in-1 वैसे फेशियल किट है। इसके अंदर ये 5 स्टेप है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है क्लींजर, सेकंड स्टेप है स्क्रब, ये थर्ड स्टेप है हमारी क्रीम, फोर्थ स्टेप है जेल और फिफ्थ स्टेप है पैक। वैसे इस किट के पीछे भी लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है क्लींजर, सेकंड स्टेप है स्क्रब, थर्ड स्टेप है क्रीम, फोर्थ स्टेप है जेल और फिफ्थ स्टेप है एलोवेरा पैक। ये एलोवेरा विद पपाया किट है। चलिए दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से किया जाता है। ये हमारा पपाया क्लींजर है, पपाया विद एलोवेरा क्लींजर है, फर्स्ट स्टेप है। ये हमने लिया है और इसको हम हाथ में लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएंगे। यह हमारा फर्स्ट स्टेप है क्लींजर। हाथ में लेकर हम पूरे फेस पे इसको अप्लाई करेंगे। इसकी मसाज हम 5 मिनट तक करेंगे। क्लींजर से हमारे फेस पे जो भी धूल मिट्टी होती है वो क्लीन हो जाती है और फेशियल के लिए हमारा फेस रेडी हो जाता है। क्लींजर को 5 मिनट हो गए हैं, अब हम फेस को पानी से क्लीन कर देंगे डेली टिश्यू पेपर से। सबसे पहले हम आईज को क्लीन करेंगे। फिर पूरे फेस को ये हमारा सेकंड स्टेप है स्क्रब। अब हम स्क्रब को लेंगे हाथ में। ये हमारा स्क्रब है सेकंड स्टेप। स्क्रब को हम पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे। स्क्रब की मसाज हम 5 से 10 मिनट तक करेंगे और हल्के हाथ से स्क्रब करें। स्क्रब से हमारे स्किन पे जो भी ब्लैकहेड्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और हमारी जो स्किन है वो हाइड्रेट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। जो भी टैनिंग होगी हमारे फेस पे वो क्लीन हो जाएगी स्क्रब से। स्क्रब की मसाज हम 5 से 10 मिनट तक करेंगे और हल्के हाथ से स्क्रब करें।
स्क्रब करने से जो हमारी स्किन है वो डीपली जो होता है साफ हो जाती है और डेड सेल हमारे क्लीन हो जाते हैं। स्क्रब को 5 से 10 मिनट हमने कहा था तो ये कंप्लीट हो चुका है। स्क्रब को हम ज़्यादा मसाज नहीं कर सकते, स्क्रब की मसाज क्योंकि स्किन छिलने का डर रहता है। स्क्रब की मसाज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। गीले टिश्यू पेपर से हम स्क्रब को क्लीन कर देंगे, हल्के हाथों से आराम से। पहले आईज को क्लीन करें इस तरीके से ऊपर की तरफ, फिर पूरे फेस को इस तरीके से क्लीन करें। सारे जो हमारे प्रॉपर स्टेप हैं ऊपर की साइड होने चाहिए, मसाज में भी या हम क्लीन कर रहे हैं उस टाइम भी। अगर आप स्टेप गलत करेंगे तो हमारी जो भी स्किन है वो लूज हो सकती है और हमारी स्किन पे झुर्रियां पड़ सकती हैं। तो प्रॉपर जो भी स्टेप है वो ऊपर की तरफ करें आप। अब हमारा थर्ड स्टेप है क्रीम। ये हमारा थर्ड स्टेप है क्रीम। क्रीम की मसाज हम 10 से 15 मिनट तक करेंगे। क्रीम में थोड़ा सा हम गुलाब जल मिलाएंगे और क्रीम को पूरे फेस पे हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे। वैसे तो किट के पीछे भी स्टेप लिखे हुए हैं, पर जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ उसी तरीके से आप फॉलो करें। अगर कोई भी स्टेप आपका गलत हो तो आपकी स्किन पे झुर्रियां पड़ सकती हैं, स्किन लूज पड़ सकती है। इस तरीके से आप स्टेप करें। क्रीम से हमारी स्किन नरिशिंग होती है, सॉफ्ट होती है और हमारी स्किन में जो मसाज करते हैं हम उससे अच्छे से ग्लो आता है। अच्छी सी मसाज करेंगे तो हमारी स्किन ग्लो करेगी। प्रॉपर जो हमारे स्टेप हैं उसी तरीके से आप फॉलो करें। जो हमारी डायरेक्शन होगी स्टेपों की वो नीचे से ऊपर की तरफ हम स्टेप करेंगे इस तरीके से। आईज की मसाज हम इस तरीके से करेंगे क्लॉकवाइज में, हल्के हाथों से। जो हमारे आईबॉल है ये हमारा रिंग फिंगर से इस तरीके से आईबॉल पे करेंगे मसाज हल्के हाथों से और आई के एरिया के इर्द गिर्द इस तरीके से हम मसाज करेंगे। इससे हमारी आंखों में रिलैक्स पहुंचता है और ये हम जो थंब से कर रहे हैं इस तरीके से इसको हम
मसाज करेंगे, जो भी हमारे यहाँ पे रिंकल्स होंगे वो ठीक हो जाएंगे इस मसाज से, ये वाले स्टेप से। इस तरीके से स्किन को इस तरीके से आंखों के पास ये वाला स्टेप करें। और हेड पे इस तरीके से फिंगर्स से स्टेप करें और एड बनाएंगे इस तरीके से, और हथेली से हम इस तरीके से और हेड पे मसाज करेंगे। इस तरीके से हम मसाज करके ये हमारा टेंशन पॉइंट है, यहाँ पे हम ब्रश करेंगे। थोड़ी देर हम यहीं पे टेंशन पॉइंट पे दबाएंगे, इससे बहुत रिलैक्स मिलता है। हम नोज पे करेंगे इस तरीके से, हम थंब से स्टेप करेंगे और फिंगर से इस तरीके से। अपर लिप पे हम थंब से इस तरीके से स्टेप करेंगे। ये हमारी जो लाइन है जिसकी डबल चिन होती है, ये वाले स्टेप से फ्लैट हो जाती है। नेक पे इस तरीके से ऊपर की तरफ हम स्टेप करेंगे फिंगर से, हल्के हाथों से दो या तीन बारी हम इस स्टेप को करेंगे। इस तरीके से स्टेप करते हुए हम इसको प्रेशर करेंगे शोल्डर पे, हेयर पे इस तरीके से हम प्रेस करेंगे। इस तरीके से कान को हम फोल्ड करके वाइब्रेशन देंगे और टेंशन पॉइंट पे हम प्रेस कर देंगे। ये हमारे प्रॉपर जो है ये फेशियल के स्टेप हैं। चीक पे इस तरीके से हम ऊपर की तरफ मसाज करेंगे, मुट्ठी बना के हथेली से इस तरीके से ऊपर की तरफ और टेंशन पॉइंट पे प्रेस कर दें। पूरी क्रीम को हम पूरे फेस पे एब्जॉर्ब करवा देंगे। अगर आपके हाथ टाइट चल रहे हो तो थोड़ा सा पानी का टच से आप मसाज कर सकते हैं। यह हमारा एसेंशियल का टी ट्री ऑयल है, इसको हम क्रीम में मिलाकर 2 मिनट मसाज करेंगे। अगर किसी के फेस पे दाने हों या किसी को ग्लो चाहिए तो हम टी ट्री ऑयल डाल के और ग्लो पा सकते हैं और दानों को कम कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा हाथ में लेंगे, अभी क्रीम तो हमने लगाई हुई है, तो थोड़ा सा 2 बूंद हम हाथ में लेकर इसकी मसाज भी क्रीम के साथ करेंगे। इस तरीके से हाथ पे अप्लाई करके पूरे फेस में इसकी मसाज करेंगे। अगर आप लोगों को ये टी ट्री ऑयल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके मंगवा सकते हैं। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, अगर आपके कहीं किसी के फेस पे बहुत सारे दाने हैं तो वहीं पे हम ये एक ड्रॉप लेके वहीं पे लगा देंगे और वो दाना दब जाएगा।
ये स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत बढ़िया है। जो टी ट्री ऑयल है एसेंशियल का, ये मल्टीपर्पज़ काम करता है। ये पूरे फेस में हमने टी ट्री ऑयल लगाकर अब्जॉर्ब करवा दिया है क्रीम के साथ। ये हमारी क्रीम की मसाज कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसे क्लीन कर देंगे। क्रीम में ज़्यादा पानी का टच ना लें क्योंकि फेस पे ग्लो नहीं आता है। ये हमारा फोर्थ स्टेप है जेल। जेल को हम हाथ में लेंगे, जेल को हाथ में लेकर पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे। ये 2-in-1 वाली हमारी ट्रिक है पपाया विद एलोवेरा। जेल की मसाज हम 10 मिनट करेंगे। सेम स्टेप वही रहेंगे जो हमने क्रीम में किए थे। एलोवेरा वैसे भी हमारे फेस और हेयर के लिए अच्छा होता है, ग्लो करता है। जिसके फेस पे पिगमेंटेशन होते हैं, दाने होते हैं, उसके लिए एलोवेरा अच्छा काम करता है। जो हमने जेल लगाया था उसकी मसाज को 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम फेस को क्लीन कर देंगे। हमारा फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है पैक। पैक को हम प्लेट में लेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम गुलाब जल मिला देंगे, पतला पतला लेंगे थोड़ा सा, और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे गुलाब जल के साथ, जो कि आसानी से हमारा पैक फेस पे लग जाए। ऊपर की तरफ पैक को लगाएंगे। पैक को नीचे से ऊपर की तरफ हम अप्लाई करेंगे इस तरीके से। आईज के एरिया को बचाकर पैक लगा। लिप्स, आईज और नोज इसी तरीके से हम नेक पे भी लगाएंगे, ईयर पे। ये हमने नेक से लेकर पूरे फेस पर पैक अप्लाई कर दिया। इसको ड्राई होने तक हम इसी तरीके से रहने देंगे। जो हमने पैक लगाया था वो ड्राई हो चुका है। थोड़ा से पानी के टच से इसकी मसाज करेंगे कि पैक आसानी से निकल जाए, और पैक को सेमी ड्राई ही रहने दें। ज़्यादा ड्राई होने पे हमारी स्किन खिंच सकती है और झुर्रियाँ पड़ सकती है। पैक लगाने से हमारी स्किन टाइट हो जाती है, टोन हो जाती है। दो मिनट मसाज करके पूरे टिश्यू पेपर से क्लीन कर देते। फेशियल कराने से हमारी स्किन फ्रेश फ्रेश लगती है, और फेशियल
हो सके तो आप शाम के टाइम को ही करवाएं। कंप्लीट हो चुका है हमारा फेशियल पपाया विद एलोवेरा। महीने में एक बारी आप इस फेशियल को जरूर करवाएं। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।